हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज आपके लिए शेक्सपियर के कुछ एम लेकर आई हूँ मैं आपके कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं आपके यू पी टी जी टी पी जी टी हो गया जैसे ई एम आर एस और आर्मी पब्लिक स्कूल डी एस एस बी आपके जितने भी ऑल ओवर एग्ज़ाम्स हैं सभी में बेनिफिशियल होने वाले हैं क्योंकि शेक्सपियर एक ऐसा चैप्टर है आपका जो हर एग्ज़ाम में आपसे इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं ऑल ओवर एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल होने वाला है ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर एक से विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन बॉर्न इन जो विलियम शेक्सपियर थे वो क, उनका जो जन्म था कब हुआ था तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका बी विलियम शेक्सपियर का जो जन्म था वो फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फोर में हुआ था नेक्स्ट है आपका विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन विलियम शेक्सपियर कब जन्म हुआ था इनका तो यहाँ पर ओनली सन बताया था आपका फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में देखिए आपकी विद डेट दिया गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट right ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ट्वेंटी थर्ड अप्रैल फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटीन फोर में इनका बर्थ हुआ था फिर यह नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर वॉज बेप्टाइज ऑन विलियम शेक्सपियर जो थे उनका जो बेप्टाइज यानी कि इनके यहाँ पर बैप्टाइज इनका नामकरण होता है तो तीन दिन बाद एक होता ही है ये कब हुआ था तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी सिक्स अप्रैल फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फोर में नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर डाइट ओन विलियम शेक्सपियर का जो डेथ थी वो कब हुई थी विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी आपकी ट्वेंटी अप्रैल में ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव शेक्सपियर वॉज बर्ड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टेटफोर्ड अपॉन एवोन ऑल दो हिज मोनूमेंट वॉज एरेक्टेड इन शेक्सपियर जो थे उनको हॉली ट्रिनीटी चर्च में इनको बारिड किया गया था इनके दफनाया गया था स्टेट फोर्ड अपोन एवोन में ऑल दो हिज मोनूमेंट वॉज एरेक्टेड इन जबकि इनकी जो मोन्यमेंट जो उनका स्मारक है वो कहाँ पर है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका वेस्ट मिस्टर एबी वेस्ट मिस्टर एबी में इनका स्मारक जो है वहाँ पर बनाया गया है मतलब दफनाया कहीं और गया था इनको चर्च होफा हॉली ट्रिनिटी में बट इनका स्मारक वेस्ट मिस्टर एबी में है नेक्स्ट आपका शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज़ शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है तो ये है आपका स्टेट फोर्ड अपोन एवोन ठीक है स्टेट फोर्ड अपोन एवोन में इनका बर्थ हुआ था ठीक इससे आपको शेक्सपियर के सारे क्वेश्चंस जो हैं रिवीजन हो जाएगा इससे पहले भी मैं शेक्सपियर के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वो इनकी बायोग्राफी और बॉक्स भी मैंने इसके इनके कुछ कराए है हुए हैं उसमें बट आपके रिवीजन के लिए अगेन मैं आपको करा रही हूँ ये क्वेश्चनस नेक्स्ट देखिए शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टेट अपॉन अवन ऑन एवोन बट वॉट कंट्री इज़ द टाउन इन जो कंट्री थी वो क्या थी मतलब कंट्री में जो टाउन था उसका नेम क्या था वो था आपका वॉरविक शायर नेक्स्ट है शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर शेक्सपियर के जो पेरेंट्स थे वो कौन कौन थे देखिए जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम था और मैरी आर्डन इनकी माता का नाम था मैरी आर्डन और जिन जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम था ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर के बिजनेस जो था वो क्या था तो वो एक ग्लोवर एंड विट एवर थे ठीक है लेदर वर्कर बाय ट्रेड ठीक है ग्लोवर थे और विटर विट एवर थे वो नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन नंबर टेन शेक्सपियर वॉज प्रोबली एजुकेटेड एट शेक्सपियर जो थे वो कहाँ पर प्रारंभिक जो उनकी प्रोबेबली एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी इनकी किंग्स न्यू स्कूल इन स्टेटफोर्ड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ग्रामर स्कूल भी इसको बोलते हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं शेक्सपियर्स वाइफ एन ए हाथवे वॉज एट ईयर ओल्डर टू हिम एंड शी बिलोंग टू शेक्सपियर की जो वाइफ थी एन ए हाथवे उनसे आठ साल बड़ी थी और वो कहाँ से बिलोंग करती थी तो ये यह है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन शॉर्ट ट्रे शॉर्ट ट्रे से वो बिलोंग करती थी नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एट द एज ऑफ एटीन शेक्सपियर मैरिड ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड एने हाथवे द कंसिस्ट्री कोर्ट ऑफ द ड्यूसिस ऑफ फोरसेस्टर इश्यूड ए मैरिज लाइसेंस ऑन जब ये एक शेक्सपियर जो थे जब इनकी शादी हुई एने हाथवे से शेक्सपियर मात्र अट्ठारह साल के थे और उनकी जो वाइफ थी एने हाथवे ये ट्वेंटी सिक्स ईयर की थी तो देखिए इनकी जो मैरिज का लाइसेंस जो था वो कब इनका इशू हुआ था यह हुआ था इनका ट्वेंटी सेवन्थ नवम्बर फिफ्टीन हंड्रेड एटी टू को नेक्स्ट है थर्टीन क्वेश्चन सिक्स मंथ्स आफ्टर द मैरिज एन ए हाथवे गिव बर्थ टू ए डॉटर नेम्ड और इनकी शादी के सिक्स माँग, छः महीने बाद इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था एने हाथवे ने तो इनकी बेटी का क्या नाम था बताना है तो ये थी सुजैना बेपटाइज ट्वेंटी सिक्स मई फिफ्टीन एट्टी और इनका जो नामकरण था वो ट्वेंटी सिक्स में फिफ्टीन एटी थ्री में हुआ था शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वॉर्स शेक्सपियर का जो फर्स्ट चाइल्ड था वो कौन था तो ये थे सुजैना सुजैना इनकी फर्स्ट चाइल्ड थी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन शेक्सपियर्स ट्विन सन एंड डोटर वॉर बेपटाइज ऑन सेकेंड फेबर फिफ्टीन एटी फाइव इन्हें जुड़वा बच्चे हुए थे ट्विंस एक बेटा और एक बेटी तो उनके नाम बताने क्या थे तो उनके नाम थे बेटे का नाम जो था वो था हेमलेट एंड बेटी का नाम जोड़िथ था नेक्स्ट है शेक्सपियर्स ट्विंस वर शेक्सपियर के ट्विंस कौन थे हेमलेट एंड जोड़िथ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पॉचिंग इन द गार्डन ऑफ माना जाता है कि जो शेक्सपियर थे वो एक हिरन को पकड़ते हुए जो है दोषी पाए गए थे तो किसके गार्डन में हियर को पकड़ा था उन्होंने हिरन को तो ये थे थॉमस लूसी थॉमस लूसी के गार्डन में ये डियर पॉचिंग में आप गिल्टी फाउंड हुए थे नेक्स्ट है आपका शेक्सपियर वॉज कॉट पॉचिंग ऑफ द डियर इन द चारल्टे पार्क हुज ओनर वॉज इसके ओनर कौन थे उस पार्क के तो ये थे थॉमस लूसी ठीक है वही क्वेश्चन है सेम थोड़ा इसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में नाइनटीन देखिए वट वॉज द रीज़न ऑफ शेक्सपियर लिविंग स्ट्रेट शेक्सपियर के जो स्ट्रेट छोड़ने का जो कारण था वो क्या था तो देखिए इनका कारण था ही वॉज़ कॉड स्टीलिंग ए डियर फ्राम सर थॉमस लूसी पार्क मतलब सर थॉमस लूसी के जो पार्क था उसमें से डियर को चुराते हुए पकड़े गए थे इसलिए इनको स्टेट छोड़कर जाना पड़ा था ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमा फिरा के कितनी तरह से पूछ सकता है ठीक है क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा पूछने का थोड़ा इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नेरेटेड डियर पॉचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क कौन से ऑथर थे जिन्होंने अपने वर्क्स में शेक्सपियर के जो डियर पॉचिंग का टेल थी इसको नैरेट किया है तो ये थे निकोलास रोर इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड सी ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी वन विच ऑथर रिपोर्टेड डेट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर कौन से ऑथर थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था शेक्सपियर के कंट्री स्कूल मास्टर के रूप में इनको तो ये थे जॉन ऑबरे ओके नेक्स्ट है शेक्सपियर लैफ्ट इज होम विलेज फॉर लंदन इन शेक्सपियर ने अपना होम विलेज छोड़ दिया था लंदन के लिए कब फिफ्टीन में ये जो आपके ईयर्स हैं आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इनको पूछ लेते हैं क्वेश्चन को कब इन्होंने घर छोड़ा कब इन्होंने स्टेटफोर्ड छोड़ा कब इनकी शादी हुई थी ठीक है सारे ही ईयर्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखिए रीचिंग लंडन इन फ़िफ्टीन एटी सेवन शेक्सपियर जॉइंट लंडन पहुंचने के बाद इन्होंने शेक्सपियर ने ज्वाइन किया फ़िफ्टीन एटी सेवन में बर्जेस बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स बर्बेज की जो कंपनी थी एक्टर्स की उसको उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पर फिफ्टीन एटी सेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन अगस्त इलेवन 1596 नाइनटी सिक्स वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ एलेवन ग्यारह अगस्त पंद्रह सौ में शेक्सपियर का एक बच्चे की मौत हो गई थी ए, 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 सिर्फ ग्यारह साल की उम्र में तो ये कौन थे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेमनेट हेमनेट की मौत हो गई थी 11 साल की उम्र में नेक्स्ट देखिए बिटवीन वॉट टाइम पीरियड्स did विलियम शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल करियर इन लंडन एज एन एक्टर कौन से पीरियड के दौरान विलियम शेक्सपियर ने एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट किया था अपना लंडन में एज एन एक्टर तो ये किया था जिन्होंने फिफ्टीन एटी फाइव से फिफ्टीन टू के बीच में नेक्स्ट विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर बाय स्कॉलर्स और जिनके ईयर्स थे इनको लॉस्ट ईयर के रूप में भी स्कॉलर्स ने रेफर किया है इनके लाइफ के जो ईयर थे ये फिफ्टीन एटी फाइव से फिफ्टीन नाइन्टी टू के बीच इन्होंने एज एन एक्टर काम किया था और तब ये बिल्कुल गायब हो गए थे लिटरेरी पीरियड से मतलब जो इनकी काव्यात्मक जो भी लिखते थे पोइट्री प्रोस वहाँ से ये इन्होंने स्कॉप में से गैप रखा है इन्होंने एट्टी फाइव से नाइन्टी टू के बीच में इसलिए इसको लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है नीवन देखिए विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज़ ऑथर फर्स्ट टाइम कौन सा प्ले था जो शेक्सपियर का नेम इन्होंने उठाया एज एन ऑथर फर्स्ट टाइम तो ये था इनका लव सिलेबस लॉस्ट नेक्स्ट देखिए वैन डिड शेक्सपियर राइट हीज प्लेस शेक्सपियर ने जो अपने प्लेस थे वो कब लिखे थे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी एंड सेवनटीन सेंचुरी में उन्होंने अपने प्लेस को लिखा था पर देखिए ट्वेंटी नाइन वॉट वॉज द थिएटर इन लंडन दैट शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विथ कौन सा थिएटर था वो शेक्सपियर जिसमें एसोसिएटेड थे जिसके साथ तो ये थन का द ग्लोब नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसीज फॉर परफॉर्म्ड वॉज परफॉर्म्ड कौन सा थिएटर कंपनी थी वो कौन सी जिसमें शेक्सपियर द्वारा जो लिखे गए अपने प्लेस थे उनको जो थे पहली बार परफॉर्म किया गया था तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ग्लोब थिएटर इसमें इन्होंने पहली बार ये परफॉर्म किए गए थे नेक्स्ट देखिए शेक्सपियर परचेस्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन जो ग्लोब थिएटर था ये फिर शेक्सपियर ने इसमें अपने जो खुद के शेयर्स थे वो परचेस किए थे तो वो कब किए थे फिफ्टीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में नेक्स्ट है थर्टी टू वाज़ वॉज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्स मैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। उसका पहला नेम क्या था कंपनी का किंग्स मैन कंपनी का विलियम शेक्सपियर ने इसको पार्टली ओन मतलब इसमें तो अपने शेयर्स लिए थे इसका पहला नाम क्या था तो ये था लॉर्ड चैम्बर्स लेंस मैन ठीक है बाद में इन्होंने द ग्लोब इसका नाम रखा पहले इसका नाम जो था लॉर्ड चैम्बर लेंस मैन था नेक्स्ट देखिए वॉट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन सिक्सटीन हंड्रेड थर्टीन सिक्सटीन हंड्रेड थर्टीन में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था तो यहाँ पर देखिए ये इट बंट डाउन ये जो था इसमें आग लग गई थी और ये जल गया था सिक्सटीन हंड्रेड थर्टीन में पूरी तरह से नेक्स्ट देखिए हाउ इज़ सैम वोना मेकर कनेक्टेड विथ शेक्सपियर जो सैम वोना मेकर थे ये शेक्सपियर से किस तरह से कनेक्टेड थे तो देखिए ये थे इट वॉज हिज विजन टू रिब्यूड द ग्लोब ये उनका विजन था जो मतलब उनका ग्लोब को रिब्यूड करने में उन्होंने उसकी उनकी हेल्प की नेक्स्ट देखिए थर्टी फाइव वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू शेक्सपियर जो थे वो कब रिटायर हुए थे मतलब कहाँ पर हुए थे तो ये हुए थे स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन में नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन शेक्सपियर की जो ग्रेव स्टोन है मतलब जो उनकी कब्र थी उस पर कौन से फ्रेज जो था वो अपीयर है तो ये था इनका क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन ये इनकी कुछ ही लाइनें दी गई हैं नेक्स्ट देखिए वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय वीनस एंड एडोनिस एक पोएम है किसके द्वारा लिखी गई विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो इन्होंने 1593 में लिखी थी नेक्स्ट है थर्टी एट वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन देखिए अभी अब क्वेश्चन आया था ऊपर कि उनकी कब्र पर कौन सी लाइन लिखी गई है तो देखिये चारों ये चार लाइन जो है उस पर लिखी गई है पूरी कंप्लीट लाइन यहाँ पर दी गई है गुड फ्रेंड फॉर जीस शेक फॉर बीयर टू डिक द डस्ट एंड क्लोज हेयर बी द मैन दैट दटर दीज स्टोन एंड कर्स्ट ही बी बी ही दैट मूवस माई बोन्स शेक्सपियर्स के टोम पर यह कब जो है लिखी गई है नेक्स्ट है वेयर फ्रॉम द लाइन्स फीयर नो मोर द हीट सन नो द फ्यूरस इंटरस रेच दाओ दर्ल्ड टास्क हैज डन होम आर्ट गोन एंटर टेंट दाइबेजिस राइट ऑप्शनों का सिम्बेलाइन सिम्बेलाइन से आपकी ये लाइने ली गई हैं

रेप ऑफ द लुक्रीसी दोनों ही यह इनकी नेरेटिव पोएम्स हैं ओके नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कार्ड फॉर द इंग्लैंड नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर तो यह है बार्ड ऑफ एवोन बार्ड ऑफ एवोन भी इनको कहा जाता था नेक्स्ट है सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजडी शेक्सपियन जो ट्रेजडी है ये बुक किसने लिखी है तो ये लिखिए इनकी ऐसी बाढ़ ले रहे नेक्स्ट देखिए शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स शाइलॉक जो है कैरेक्टर है शेक्सपियर के कौन से प्ले में तो ये है इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी फाइव हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपीरियंस वुमेंस कैरेक्टर शेक्सपियर की जो वुमेंस कैरेक्टर्स हैं उनमें से फोर्थ विच के नाम से किसको जाना जाता है तो ये थी लेडी मैगबैथ इनको लेडी मैगबैथ को जो है फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस फोर्टी फाइव क्वेश्चन तक ही करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन फिर से लाएंगे आई होप आपके लिए बेनिफिट बेनिफिशियल हो इससे आपका जो रिविज़न है वो भी होता रहेगा साथ साथ ओके okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो जो लोग चैनल पर सब नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें